गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पीएच स्केल। पीएच स्केल इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक। ओके, इट इज हेल्पफुल टू नो अबाउट द एसिडिटी, बेसिसिटी, ओके, और न्यूट्रल। पीएच स्केल ऑल्सो मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बेस एंड ऑल्सो न्यूट्रल मेटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट पीएच स्केल। अबाउट पीएच स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हिस्ट्री। इन 1909 अ डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल। सोरेनसन ने, डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने एक स्केल का को डिवाइज किया, ठीक है ना, नोन एज पीएच स्केल। इसका नाम दिया गया पीएच स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। ये स्केल दोनों को मेजर करता है, दोनों को, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बोथ सॉल्यूशंस आर आइडेंटिफाइड कि व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू, व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू। दिस पीएच वैल्यू शोज विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, कुड बी रिप्रेजेंटेड बाई मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन देम। ये पीएच स्केल उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, इसके हेल्प से वो आइडेंटिफाई करता है कि उसका पीएच लेवल क्या होगा। द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन इट। पीएच जो सोल्यूशन है वो बताता है कि ये पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पीएच वैल्यू मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, किसका, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स का। मीन्स पीएच वैल्यू घटेगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, और अगर पीएच बढ़ेगा मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन घटेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको कहा गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। ओके, इन द टर्म पीएच, पीएच लेटर पी, पी स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड पोटेंज। पोटेंज मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स पावर, मीन्स पावर। एंड लेटर एच, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन को हम लोग एच फॉर डिनोट करते हैं। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल। जिस स्केल पर हम लोग स्ट्रेंथ मीन्स एसिड और बेस का स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। मीन्स एज वी गो फ्रॉम 0 एसिडिटी इज लो, एंड एज वी गो टू 14 दैट मीन्स रेज्ड द बेसिसिटी, रेज्ड द बेसिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पीएच स्केल से हम लोग थोड़ा सा कुछ समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आते हैं, 7 मीन्स न्यूट्रल मटेरियल, न्यूट्रल, 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द 0 and 14, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल पार्ट, न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज द फ्रॉम 7, बिलो द 7, बिलो द 7 एसिडिक एंड अबव द 7 बेसिक नेचर। एसिडिक में जैसे जैसे हम लोग 7 से 6 पर जाते हैं, 5, 4 मीन्स एसिडिटी बढ़ते जाता है, एसिडिक मटेरियल का नेचर बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते हैं, कंसेंट्रेशन से इंक्रीज होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है। जैसे हम 0 पर पहुंचते हैं, हाईएस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड जैसे जैसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 जाते हैं वो वीकर एसिड में कन्वर्ट होते जाता है। और इसी तरह से एज यूजुअल 7 से हम लोग जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका बेसिसिटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है,
14 तक पहुंचते पहुंचते एकदम लार्जेस्ट हाईएस्ट बेसिसिटी शो करने लगता है। मीन्स 14 पीएच वैल्यू वाला जो मटेरियल होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। और जैसे जैसे ही हम लोग डाउन आते 14, 13, 12, 11, 10, 7 तक, वैसे वैसे इसका बेसिसिटी जो है वो भी डाउन होते जाता है, डाउन होते जाता है। ओके, मीन्स जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम लोग 7 से बिलो जाते हैं या हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, इधर से इधर इंक्रीज होता है OH आयन कंसेंट्रेशन, इधर से इधर जाते हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल डायग्राम शोज पीएच स्केल। व्हाट पीएच स्केल, लेट्स डिस्कस विथ सम पॉइंट्स। यूनिवर्सल पीएच पेपर डू नॉट शो गिव द एग्जैक्ट मेजर्स। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पीएच पेपर, दिस इज द पीएच पेपर। When we add neutral water, its color is green. When we use acidic materials, its color is red. And when we add basic materials, its color is blue or violet. Violet means single paper shows different colors. This paper is known as pH paper. Dear students, ये pH paper exact value नहीं provide करता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग इसके लिए pH paper नहीं use करके, इसके लिए हम लोग क्या use करते हैं, exact measurement अगर आपको find करना है कि वो acidic material कितना है, basic कितना है, ठीक ना, उसका numbering में, तो आप उसके लिए pH paper की जगह पर pH meter use करते हैं, ठीक है ना? और ये pH meter का हम आपको डायग्राम शो करेंगे, अभी नहीं, आपको हम लास्ट में आपको दिखाते हैं, ठीक है ना? यूनिवर्सल पीएच पेपर डू नॉट गिव द एग्जैक्ट मेजर्स ऑफ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, वी कैन गेट अ रफ आइडिया ओनली। ये पीएच पेपर आपको रफ आइडिया केवल प्रोवाइड करता है। एग्जैक्ट पीएच कैन बी मेजर्ड विद द पीएच मीटर, ठीक है ना? अभी अभी हमने डिस्कस किया है। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। अगर कोई न्यूट्रल मटेरियल है तो उसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? मींस न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। पीएच ऑफ प्योर वाटर आल्सो 7, बिकॉज प्योर वाटर इज न्यूट्रल। अ सब्सटेंस हैविंग पीएच 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर्स। अगर जिसका पीएच वैल्यू, जिस सब्सटेंस का 7 होता है, वो लिटमस पेपर पर तो कोई इफेक्ट ही शो नहीं करेगा। हाँ, पीएच पेपर पर उसका इफेक्ट शो होता है, ग्रीन कलर में उसे कन्वर्ट करता है, ठीक है ना? जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, इन सभी चीजों पर ये 7 पीएच वैल्यू वाला मटेरियल्स कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, दैट मीन्स 7 वाला न्यूट्रल होता है। ऑल द सॉल्यूशंस हैविंग पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक इन नेचर एंड हेंस दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड दे ऑल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रेड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जितने भी जो लेस देन 7 मीन्स एसिडिक, अगर एसिडिक है नेचर वाला तो वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा और मिथाइल ऑरेंज को भी ऑलरेडी क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑल द सॉल्यूशंस मींस ऑल द सब्सटेंस हैविंग पीएच मोर देन 7 आर बेसिक। ये बेसिक हो गया तो श्योर है, ये बेसिक है तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा और यह फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को पिंक में कन्वर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, वन पॉइंट मोर वी डिस्कस, पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। कंसंट्रेटेड एसिड 0, डाइल्यूट एसिड 1, गैस्ट्रिक जूस स्टोमिक में 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूस 4.1, कॉफी 5.0 मींस 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6.0 मींस 6, मिल्क 6.5, प्योर वाटर 7, इजेक्ट 7, प्योर वाटर 7। अभी अभी हम लोग जस्ट इस पर डिस्कस कर रहे थे। सलीबा बिफोर मील, खाना खाने से पहले सलीबा का पीएच वैल्यू बेसिक होता है लेकिन खाने के बाद वही एसिडिक मोड में कन्वर्ट हो जाता है, मींस इसका पीएच वैल्यू 5.8 होता है।
ब्लड बेसिक होता है 7.4, एग बेसिक होता है 7.8, टूथपेस्ट ऑल्सो बेसिक, टूथपेस्ट ऑल्सो बेसिक 8, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0 मीन्स 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10.5, हाउस होल्ड अमोनिया 11.6, डाइल्यूट NaOH मीन्स डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 एंड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे चार्ट्स को आप लर्न कर जाओगे, ठीक है ना। इससे आपको बहुत सारे मटेरियल्स का पीएच वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता चलेगा, जिससे कि आप बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो प्लीज आप इसे अच्छे तरीके से इस पूरे चार्ट को रट जाएंगे, लर्न कर लेंगे। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपका ये पीएच वैल्यू चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे उसका पीएच पेपर का, इस पीएच पेपर का कलर भी चेंज होता है इसका, ठीक है ना। अब इस पीएच पेपर का कलर किस तरह से चेंज होता है, तो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर पीएच वैल्यू जीरो है तो उसका कलर हो जाएगा डार्क रेड। अगर इसको आप एकदम प्योर एसिड में अगर आप डालते हो, 100% मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर डाल देते हैं, तो इसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, डार्क रेड होगा। अगर 1 पीएच वैल्यू वाले को डालते तो रेड, 2 वाले को भी रेड, 3 वाले को ऑरेंज रेड, 4 का ऑरेंज, 5 का ऑरेंज येल्लो, 6 का ग्रीनिश येल्लो और 7 का एग्जैक्ट ग्रीन। अभी हमने पीछे भी आपको डिस्कस करके बताया था, 8 में ग्रीनिश ब्लू, 9 ब्लू, 10 नेवी ब्लू, 11 पर्पल, 12 डार्क पर्पल, 13 वायलेट एंड 14 ऑल्सो वायलेट मीन्स डार्क वायलेट। इसको आप डार्क वायलेट समझिए, ठीक है। ये चेंजिंग है पीएच पेपर का, कलर का, ठीक है ना। कि उसका पीएच स्केल कितना होगा तो उसका कलर क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, पीएच पेपर इज यूनिक पेपर विच शोज डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट पीएच वैल्यू। एक ही पेपर डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल पेपर डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट कलर शो करता है। यही पेपर डिफरेंट कलर शो करेगा अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स को यहां डालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे जैसे हम लोग कलर डालेंगे, जैसे एसिडिक डाले, स्ट्रॉन्ग एसिड डाले, बेस डाले, स्ट्रॉन्ग बेस डाले, वीक बेस डाले, तो उसका कलर डिफरेंट होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। डियर स्टूडेंट, जो हमने चार्ट अभी बताया आपको, इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज होता है, ठीक है ना। इफ अ सोल्यूशन टर्न्स पीएच पेपर ग्रीन, अगर कोई पीएच पेपर अगर ग्रीन चेंज हो रहा है, ग्रीन दैट मीन्स उस पर आप न्यूट्रल मटेरियल डाल रहे हो, देन इट विल बी न्यूट्रल सोल्यूशंस, ठीक है ना, विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। यूनिवर्सल पीएच पेपर डू नॉट गिव द एग्जैक्ट मेजर्स, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट मेजर नहीं देता है, वी कैन गेट रफ आइडिया ओनली, सिर्फ इससे हमको रफ आइडिया मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ पीएच मीटर, पीएच मीटर, ये मीटर आपको शो करता है, ये मीटर शो करता है यहां पर अपना डिजिटल फॉर्म में, ये बताएगा कि एसिडिटी है, बेसिक है, क्या है, और इस पार्ट को आप, इस रॉड को उस मटेरियल में डालना होता है जिस मटेरियल का आपको पीएच वैल्यू फाइंड करना होता है। जिस मटेरियल का पीएच वैल्यू फाइंड करना हो उसको आप इस रॉड को डालेंगे तो इसको बताएगा कि उसका एसिडिटी बेसिसिटी कितना है, ये इस मीटर पर शो करेगा, ये आपका पीएच मीटर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू कलर ये किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कलर, एक ही पीएच पेपर, एक ही सिंगल पीएच पेपर अगर जीरो डालेंगे तो ऐसा कलर होगा, ठीक है ना। 2-3 पीएच वैल्यू चेंज करते जाएंगे, कलर चेंज होते जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये पीएच वैल्यू का चैप्टर जो है क्लोज होता है, ठीक है। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू।